नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। द बॉलीवुड रेडियो की लव स्टोरी सीरीज में आज की प्रेम कहानी है महेश भट्ट और परवीन बाबी की। परवीन बाबी गुजरात के मुस्लिम परिवार में जन्मी थी और वो शाही खानदान से थी। यही वजह थी कि उनका अंदाज भी काफी शाही था, पर निजी जीवन में वो एक बेहद सामान्य सी लड़की थी जो सिर्फ सच्चा प्यार चाहती थी। लेकिन उनकी ये तलाश अधूरी ही रह गई। फिल्मों में आने के बाद परवीन की पहली हिट मूवी थी अमिताभ बच्चन के साथ मजबूर। उसके बाद एक के बाद एक सभी बड़े कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया और वो बड़ी स्टार बन चुकी थी। उस जमाने में परवीन का बिंदास अंदाज और बोल्ड इमेज उन्हें बाकी अदाकाराओं से अलग करती थी और इसी इमेज ने उन्हें उन फीमेल कलाकारों की लिस्ट में सबसे आगे खड़ा कर दिया था जो सबसे ज्यादा फीस लेती थी। परवीन वो पहली भारतीय अदाकारा भी बनी जो टाइम मैगजीन के कवर पर आई। परवीन सिल्वर स्क्रीन पर जितनी कामयाब थी, निजी जीवन में उतनी ही तन्हा। शुरुआत में डैनी के साथ उनके रिश्तों की चर्चा थी, लेकिन वो ज्यादा नहीं चला। उसके बाद कबीर बेदी आए, पर उनसे भी उनका रिश्ता टूट गया और इसी बीच एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर की उनसे दोस्ती हुई और ये थे महेश भट्ट। कबीर से अपने टूटे रिश्ते का दर्द झेल रही परवीन महेश के काफी करीब आ गई और दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि शादीशुदा महेश परवीन के साथ लिव इन में रहने लगे। महेश और परवीन की प्रेम कहानी उस वक्त इंडस्ट्री की सबसे चर्चित प्रेम कहानी बन चुकी थी। दोनों 2 साल तक साथ रहे, लेकिन उनके प्यार को न जाने किसकी नजर लग गई कि ये रिश्ता ऐसा टूटा कि परवीन को पूरी तरह से तोड़कर चला गया। फिल्म शान की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा वाकया हुआ कि परवीन की मानसिक बीमारी सबके सामने आई। परवीन ने एक सीन में झूमर के नीचे खड़े होने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको लगा कि कोई उन्हें मारने की साजिश कर रहा है। उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ पर भी इल्जाम लगा दिया। महेश को भी इस बीच उनके स्किजोफ्रेनिया के शिकार होने का पता चला। परवीन का व्यवहार महेश के प्रति भी बदलने लगा था। एक रात जब महेश घर आए तो देखा परवीन के हाथों में चाकू है और वो महेश को चुप रहने का इशारा करके कहने लगी कि कोई उनको मारना चाहता है। महेश हैरान थे उनके इस व्यवहार से। उनकी बीमारी के चलते उनके फिल्मी करियर पर भी असर होने लगा था। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज नहीं था। इलेक्ट्रिक शॉक से कुछ मदद मिल सकती थी, लेकिन उससे खतरा भी उतना ही था। महेश इसके पक्ष में नहीं थे और इसी वजह से उन पर इल्जाम लगे कि वो परवीन के स्टारडम का लाभ लेने के लिए उनका सही इलाज नहीं करवाना चाहते हैं। महेश ने इन बातों की परवाह नहीं की और वो परवीन को बैंगलोर भी लेके गए ताकि प्राकृतिक माहौल में उन्हें कुछ फर्क पड़े, लेकिन उनकी हालत नहीं सुधरी। यहां तक कि वो अब महेश पर भी शक करने लगी थी कि वो भी उनको मारना चाहते हैं। खाना या दवा खाते समय वो महेश को पहले कहती कि वो खाएं ताकि उनको भरोसा हो सके कि इसमें जहर नहीं है। महेश परवीन की हालत को लेकर काफी परेशान थे क्योंकि वो उनसे बेहद प्यार करते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि ये रिश्ता टूट गया। महेश परवीन से किसी बात पर नाराज होकर बाहर जाने लगे तो परवीन उनके पीछे भागी और जब महेश ने पलटकर देखा तो परवीन के बदन पर कपड़े तक नहीं थे। महेश के प्यार की दीवानगी और बीमारी की इस ऐसी सनक ने महेश को परेशान कर दिया। परवीन ने यह तक ध्यान नहीं दिया उस वक्त कि वो खुली सड़क पर महेश के पीछे बिना कपड़ों के ही दौड़ पड़ी। महेश ने इसके बाद उन्हें आखिरी बार गले लगाया और हमेशा के लिए अपने घर अपनी पत्नी के पास लौट आए। इसके बाद परवीन बिल्कुल अकेली हो गई और इस दर्द से कभी उबर नहीं पाई। कई लोग महेश को ही परवीन की इस हालत का जिम्मेदार मानते हैं। महेश अपने काम में व्यस्त होते चले गए और परवीन गुमनामी के अंधेरों में खोती चली गई। महेश ने अपने और परवीन के रिश्तों पर फिल्में भी बनाई और अपने प्यार को कभी छुपाया भी नहीं।
परवीन शांति की तलाश में अमेरिका चली गई, धर्म की शरण में। लेकिन 10 साल बाद वो वापस मुंबई लौटी। उनकी बीमारी वैसी ही थी, क्योंकि वो अपने फ्लैट में भी अकेले रहते हुए किसी से मिलती नहीं थी, और यहां तक कि वो दूध और अंडे भी बाहर रखवा देती थी और बाद में लेती थी। एक रोज उनके घर के बाहर जब दूध और अंडे यूं ही पड़े दिखे, तो पता चला कि उन्हें रिसीव करने वाली परवीन की मौत हो गई है और उनका शव बुरी हालत में था। उनके शव को किसी ने क्लेम नहीं किया, परिवार भी सामने नहीं आया, और तब भी महेश अपने प्यार की खातिर सामने आए और उनका अंतिम संस्कार किया। महेश ने अपने प्यार का फर्ज तो अदा कर दिया, लेकिन वो परवीन का वो सहारा नहीं बन पाए जिसकी परवीन को जरूरत थी, और परवीन प्यार के लिए ताउम्र तरसती रह गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।